जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन उसका जीवन सर्वाधिक सम्माननीय हो जाता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सुरक्षा में रत होकर सेवा का अवसर मिलता है। माँ भारती की सेवा करने का सौभाग्य विरलों को मिलता है। आप सभी अग्निवीर बनकर उन विरलों में शामिल हो सकते हैं। अग्निपथ वह पथ है जहाँ पहुंचकर आपको सुनहरे भविष्य के अवसरों के अनेकानेक मार्ग नजर आएंगे। युवावस्था की ही दहलीज पर 4 साल मान सम्मान स्वाभिमान व आर्थिक स्वावलंबन के साथ पूरी जाबाजी से देश की सेवा, इसके बाद सेना अर्ध सैनिक बलों नागरिक पुलिस समेत केंद्र व राज्य सरकार के अनेकों अनेक विभागों में सेवा योजन और करीब 12 लाख रुपए की अपनी बचत पूंजी व सरकार के अनुदानित ऋण से स्वरोजगार के व्यापक अवसर, यह सब आप और आप जैसे युवाओं के लिए ही तो है। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में उनसे मिलने आए कुछ युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा। ये युवा सेना में शामिल होकर देश सेवा के लिए बनी अग्निपथ योजना को लेकर अपनी जिज्ञासाओं को लेकर सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करने वाले राजनीतिक दल ही इस अति महत्वपूर्ण और अवसर प्रदायी योजना का तथ्यहीन और तर्कहीन प्रलाप कर देश के नौजवानों को बरगला रहे हैं, जबकि देश की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले सेना के वर्तमान और पूर्व सैनिक अधिकारी इसे अभूतपूर्व कदम मान रहे हैं। सीएम योगी ने युवाओं को बताया कि यह कहना कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित रहेगा व 4 साल की सेवा के बाद किसी काम लायक नहीं रह जाएंगे, समाज के लिए खतरा बन जाएंगे, यह शूद्र विचार है। उन्होंने कहा कि यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, इसराइल, चीन व फ्रांस जैसे देशों में भी युवा इस तरह की योजना से जुड़कर देश सेवा और उज्जवल भविष्य से गौरवानुभूति कर रहे हैं। अग्निपथ ऐसी योजना है जो युवाओं को 4 साल सेना की सेवा के साथ ही समाज को अनुशासित और प्रशिक्षित नागरिक उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी ने युवाओं की भ्रांतियों को दूर करते हुए कहा कि सरकार अग्निवीरों को प्रति माह 30 से 40 हजार रुपए वेतन देने के साथ ही बीमा, जोखिम भत्ता, कैंटीन के साथ अन्य सुविधाएं भी देगी। उन्होंने कहा कि प्रभु ना करे कि किसी अग्निवीर के साथ अनहोनी हो, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा हुआ तो शहीद होने पर सरकार उनके परिजन को 1 करोड़ रुपए तथा बचे हुए सेवाकाल का पूर्ण वेतन भुगतान करेगी। दिव्यांगता होने की दशा में शेष सेवा अवधि का पूर्ण वेतन भुगतान के अलावा 44 लाख रुपए तक दिव्यांगता क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सेवा पूर्ण करने के बाद अग्निवीरों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस तथा असम राइफल्स में 10% रिक्तियों के साथ आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। रक्षा से जुड़े लोक उद्यमों, डिफेंस पीएसयू, कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन की भर्ती में भी 10% रिक्तियां अग्निवीरों के लिए होगी। उत्तर प्रदेश सरकार भी पुलिस व अन्य भर्तियों में अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देगी। कई औद्योगिक घरानों ने भी अग्निवीरों को अपने यहाँ नियुक्तियों में वरीयता देने की पहल की है, और यदि अग्निवीर अपनी सेवा पूर्णता के बाद उद्यमी या कारोबारी बनना चाहेंगे तो उन्हें कई स्वरोजगार योजनाओं के जरिए भारी अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराने के साथ तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए उनके पास अपनी कमाई के करीब 12 लाख रुपये पहले से मौजूद होंगे। सीएम योगी द्वारा किए गए मार्गदर्शन से जिज्ञासु युवा न केवल पूरी तरह संतुष्ट दिखे, बल्कि उन्होंने उत्साह के साथ उनसे वादा किया कि सेनाओं में शामिल होकर वह देश की सेवा और अपने उज्जवल भविष्य के लिए अग्निवीर बनने और अग्निपथ पर चलने को जी जान लगा देंगे। सीएम ने उन्हें अग्निवीर की आगामी भर्तियों के लिए शुभकामनाएं दीं।